नमस्कार, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त-व्यस्त हो चली है, तो ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन हस्तियों के साथ जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं, वो इंडियन थिएटर के एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, पपेटियर और मैजिशियन श्री मनीष जोशी जी तिस्मिल जी हैं। नमस्कार सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया और थैंक यू सो मच। आशा करते हैं सर, इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सकुशल अपने घर पर होगा। हाँ, हम लोग अभी बहुत केयर के साथ हैं क्योंकि हिसार में अभी काफी सारे केसेस आ रहे हैं, सो अभी तो काफी केयर के साथ हैं लोग और सबको केयर के साथ होना चाहिए। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इतनी सारी विधाओं का मास्टर की रंग यात्रा की शुरुआत किस प्रकार हुई? मैं जब छोटा था तो मैं ना हकलाता हूँ, एक्चुअली मेरी आम लाइफ में मैं अभी बात करूंगा तो मैं हकलाऊंगा, और लेकिन मैंने एक बार एक प्ले देखा जिसमें बहुत सारे लोग क्लैप कर रहे थे और वहाँ का माहौल ही एकदम अलग था, सो मैंने वहाँ पे जाके कोशिश की कि मैं भी एक्ट करूँ। मैंने उनसे जाके कहा कि मैं भी एक्ट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम एक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत हकलाते हो, और तो ये बात मेरे को बड़ा लग गई थी और मैंने उसी दिन से तय किया था कि मैं स्टेज पे नहीं हकलाऊंगा, और उसके लिए मैंने काफी सारा मतलब एक्सरसाइजेज किया, मैंने बहुत सारे लोगों के पास में गया, स्पीच थेरेपी के ऊपर मैंने काफी सारा काम किया। और मैं जब छोटा था तो फिर मैंने एक कहानी आती थी काबुली वाला करके, टैगोर की एक कहानी है काबुली वाला, उसको मैंने अकेले में याद किया और मैं उसको ना बाथरूम में जाके अकेले में शीशे के सामने किया करता था जब मैं I think I was in 9th class. So, फिर मैं देखता था कि मैं ना हकलाता नहीं हूँ अकेले में, अपने आप के सामने मैं हकलाता नहीं हूँ, तो मुझे लगा जब मैं अपने आप के सामने नहीं हकलाता हूँ तो फिर मैं किसी और के सामने क्यों हकलाऊं। तो फिर मैंने मेरे बहुत सारे कुछ आस पड़ोस के लोग थे, मैंने उनको इकट्ठा किया और मैंने काबुली वाला कहानी उनको करके दिखाई अकेले, तो सबने अप्रिशिएट किया कि तुम हकलाए नहीं। तो मुझे उस दिन एक एहसास हुआ कि जो कोई भी आर्ट है, कोई भी एक कला है, वो दूसरों को बहुत बाद में एक सरप्राइज करती है, सबसे पहले आप खुद सरप्राइज होते हो कि मैंने इतना लंबा याद कर लिया, और अरे मैं तो आज मैंने आज स्टेज पे ऐसा ऐसा किया, कुछ कुछ किया, तो आप सरप्राइज होते हैं सबसे पहले। तो यहीं से मतलब एक हकलाने को लेकर और उसी को तोड़ने की मतलब एक जिद में और मैंने काम शुरू किया। सर, आपने किन किन प्लेस में अभिनय किया, किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, कौन सा ऐसा किरदार जो खास आपके लिए आज भी यादगार है या नाटक? मेरी जब स्टार्टिंग हुई थी तो हिसार में राजेश कपूर है हमारे, तो हमने उनके साथ एक काम स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और उससे पहले मैं रामलीला में काम कर चुका था, तो मैं रामलीला में केकई का रोल करता था और मंत्रा का रोल करता था। पहले मैं पहले बहुत ही स्लिम ट्रिम था, बहुत ऐसा ऐसा हो गया हूँ मैं, तो केकई का रोल करता था और ये सब होता था। तो उसके बाद फिर हमने एक फुल लेंथ प्ले किया कोर्ट मार्शल, और जो हमने राजेश जी के साथ किया वो मेरा पहला प्ले था। उसके बाद मैंने एक्ट किया मैकबेथ में, ट्रेन टू पाकिस्तान में, और इडिपस मैंने किया, ट्रेन टू पाकिस्तान किया, और लस्ट फॉर लाइफ विंसेंट वैन गो के ऊपर एक नोवेल है बड़ा, उसको हम लोगों ने किया। और कॉलेज टाइम में मैं एक्ट करता रहता था, मतलब हमारे जितने भी होते थे ना प्लेज यूथ फेस्टिवल में, उन सब में। और मुझे अभी एक रोल करने की इच्छा है, मैंने अभी तक किया नहीं है, कि एक
करेक्टर है जो उसके उसके मतलब 10 करेक्टर्स बड़े फेवरेट हैं उसके प्लेज के, और वो उनको अपनी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं अटैच करता है, उनको कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करता है अपनी लाइफ के साथ। तो उसको लेके मैं एक प्ले भी कर रहा हूँ, उसके अंदर मतलब थिएटर के जो 10 करेक्टर्स हैं बड़े अच्छे अच्छे जो फेमस हैं, मैकबेथ है उसमें और इडिपस है और अंधायुग का अश्वत्थामा है, कालिदास है, विलोम भी है, तो ऐसे बहुत सारे 10 करेक्टर्स हैं जो मैं सोचता हूँ वो उनको मैं अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पे रिलेट करता हूँ उसको लेके मैं एक प्ले अभी लिख रहा हूँ और उसको मुझे एक्ट करना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के नाम लेना चाहेंगे जिनके साथ काम करके आपको बहुत अच्छा लगा, अलग अनुभव मिला और उनसे डायरेक्शन की सीख आपको मिली? देखिए जो दीवार होती है ना कोई भी, वो एकदम से नहीं बनती, उसमें ईंटें लगती हैं, तो मेरी लाइफ में बहुत सारी ईंटें हैं जो लगी हैं, और मैं किसी एक का नाम लूंगा तो मुझे बहुत अजीब लगता है, और लेकिन मैंने जिनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, राजेश कपूर और उसके बाद राजीव मनचंदा जी मेरी लाइफ में अभी वो है नहीं, और उनके थ्रू मुझे थॉट मिला काम करने का कि एक थॉट के साथ काम करना होता है, और बाद में मैंने जो कुछ भी सीख रखा था और जो भी मैं सीख रहा था उसको एक डायरेक्शन दी संजय उपाध्याय सर ने। अच्छा। उन्होंने यस, तो मैं उनको मतलब बहुत मानता हूँ और उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आए, और फिर मैंने हिमाचल से डिप्लोमा किया, मैंने हिमाचल से मंडी से, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करने के लिए आए, आलोक चटर्जी, सुमन कुमार, अश्वथ भट्ट, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं जिनका नाम लूंगा तो बहुत लिस्ट लंबी लिस्ट है ये, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मतलब दीवार में एक एक ईंट लगती है और उसको खड़ा करने में हर ईंट का योगदान होता है, तो मैंने जिनके साथ भी काम किए मुझे सब अच्छे लोग मिले हैं और मैंने उनसे खूब सीखा है, और हर एक के पास एक नई चीज होती है, वो आपको चूज करनी होती है इसका क्या अच्छा उठाऊं, इसका क्या करूं। सर आप एक अच्छे लेखक भी हैं, आपके अब तक अपने लिखे 8 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, तो अपने लेखन की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कोई खास नाटक जिसका जिक्र आप करना चाहें? लेखन का क्या हुआ ना, मैं मतलब जब छोटा था तो मेरे एक नाना जी है मेरे, तो जनक राज पारिक, सो वो लिखा करते हैं, ही वाज फ्रॉम राजस्थान, सो मैं उनके साथ बैठ के किताबें रीड करता था, तो उनसे मुझको एक मतलब रीडिंग वाला एक मामला वहां से आया था, और फिर वहीं से मैंने कुछ कुछ लिखना स्टार्ट किया था, कुछ कविताएं जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं और वो अखबारों में मतलब भेजते हैं, तो ऐसे मेरी कुछ कुछ पोएम्स अखबारों में आने लगी वो, और तो फिर उसके बाद मुझे एक थोड़ा सा एक हौसला सा मुझे मिला, और फिर मैंने मतलब जो अखबार में जो भी न्यूज आती है तो मैं ये देखता था इस न्यूज से पहले क्या हुआ होगा और बाद में क्या हुआ होगा, और जितनी भी कहानियां थी जैसे प्यासा कौवा करके एक कहानी है सबने पढ़ी है, थर्स्टी क्रो, तो मैं ये देखता था कि इसको प्यास क्यों लगी, उसको प्यास तो लगी क्यों लगी, उसके प्यास लगने से पहले की कहानी क्या है, और प्यास मतलब खत्म होने के बाद इसने क्या किया होगा, सो मैंने उसको लेके लिखना स्टार्ट किया कि प्यासे कौवे की कहानी पहले क्या थी, भेड़िए की कहानी पहले क्या थी। अच्छा। बच्चों के साथ मैं उसके साथ काम करता रहा, तो मेरे कुछ एक प्लेस बहुत अप्रिशिएट हुए उस टाइम में। फिर मैं अखबारों की जो न्यूज है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम रिएक्ट करना होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग एक्शन का रिएक्शन होता है, तो अखबारों में भी जो न्यूज आती है हम लोग उसको रिएक्ट नहीं करते हैं, मान लीजिए किसी का रेप हुआ है तो एज एन आर्टिस्ट मैं क्या रिएक्ट करूंगा उसके ऊपर, किसी की जॉब गई है तो मैं क्या रिएक्ट करूंगा उसके ऊपर, तो ऐसी चीजें हमारे सामने रोज आती है जिन पे आपको रिएक्ट करना होता है, तो मैं थोड़ा सा इन न्यूज को लेके रिएक्टिव रहा काफी, और हमारे हिसार में एक घटना हुई कि कुछ किन्नर जो होते हैं किन्नर समाज, उनका एक शमशान घाट था जिसको गवर्नमेंट एक्वायर करने की कोशिश कर रही थी, सो मैंने वो न्यूज अखबार में रीड करी और मैंने उसके ऊपर रिएक्ट करके एक प्ले लिखा किन्नर व्यथा, जिसमें हिसार के किन्नरों ने भी एक्ट किया था उस वक्त, और वो लोग खुद इकट्ठा करके लाए थे, और प्ले से एक मतलब एक रीजनल लेवल पे एक रिवोल्यूशन होता है वो मैंने होते हुए देखा है, और
इस प्ले के बाद मतलब उनको अपना शमशान घाट वापस मिल गया था। अच्छा वो एक फेवरेट प्ले है, मतलब जिसमें मैंने एक सोसाइटी के लिए मैंने काम किया और मेरे को उसका एक फीडबैक मिला कि नाटक में ताकत होती है और नाटक बोलता है। सर, आप एक पपेटियर भी हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में भी जानकारी दें। मैं जब ट्रेनिंग करने गया तो सभी लोग ये बोलते थे कि थिएटर कंपोजिट आर्ट है, इसमें सारी चीजें होनी चाहिए। तो मुझे जो जो दिखता था मैं उसको सीखने की कोशिश करता था और अपने प्ले में इंप्लीमेंट करता रहता था। तो फिर मैं दिल्ली में था उन दिनों, और दिल्ली में एक कॉलोनी है शादीपुर डिपो कठपुतली करके, कॉलोनी हाँ जी कठपुतली कॉलोनी, जी, तो वो स्लम्स हैं। तो वहां पे मेरी मुलाकात एक बड़े कमाल के आदमी से हुई, मतलब पूरन भाट सर हैं, पूरन भाट। तो पूरन भाट जो है वो मास्टर पपेटियर बोलते हैं उनको, और उनके साथ मेरा ऐसे एक बार मिलना जुलना हुआ। हम लोगों ने बातचीत की और उन्होंने मुझे बोला कि ये सीखना मुश्किल है, तो तुम्हारे लिए सबसे पहली मुश्किल तो ये कि तुमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हम तो स्लम्स में रहते हैं, तुम रोज एसी बेसी में बैठे रहते हो, ये सब करते हो। तो मैं फिर वहां पे 6 महीने के आसपास मैं उन्हीं के घर में रहा, मैं उन्हीं के स्लम्स के अच्छा अंदर। तो मैंने बोला सर अब एक 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 मतलब 1 महीने से मैं यहाँ पे अब रह रहा हूँ, तो अब मेरा मतलब लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, अब आप जरा एक बार स्टार्ट कर दो मुझे सिखाना। तो फिर उनके साथ मैंने काम किया और दादी के साथ काम किया, और मेरे जितने भी प्लेज हैं उनमें कठपुतली होती है, मतलब मैजिक होता है। तो ये सारी चीजें मैंने एक प्ले में इंक्लूड करने की कोशिश की, क्योंकि वो कंपोजिट आर्ट है इसलिए। तो एक कठपुतली का निर्माण कैसे होता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में भी कुछ पता है? मैं ना मतलब मेकर नहीं हूँ, मैं अच्छा मैनुपलेटर हूँ। मैं सिर्फ मैनुपलेट करता हूँ। कठपुतली जी और मेकिंग के लिए अलग लोग होते हैं, मैं थोड़ा सा मॉडर्न जी पपेट्स के ऊपर काम करता हूँ, जो हम लोग जो फोम से बनाते हैं। और अच्छा अगर कठपुतली की आप बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे रिचुअल्स इंक्लूडेड हैं कि आम की लकड़ी का होना चाहिए और इतने दिन औजारों की मतलब एक वर्शिप होता है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं मैम उसके अंदर, वो एक अलग जी मामला हो जाएगा पूरा उसका। जी और जादू नगरी की तरफ कैसे रुझान बढ़ा, उसके बारे में भी बताएं। हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं जब स्कूल में था तो हम लोग मदारी के खेल देखते थे, जो मजमा लगाते थे ना जो रोड के हाँ हाँ ऊपर। हाँ तो मतलब उस वक्त मुझे स्कूल से बंक मारने की आदत मतलब आई थी, मतलब तो हम लोग बंक मारा करते स्कूल से और यहाँ वहां घूमने जाते थे। तो जितने भी मेले वेले लगते हैं हम देखने जाते थे। तो एक दिन हमारे पास कुछ पैसे थे और हम लोग ऐसे खेल देख रहे थे। तो मदारी के खेल में क्या होता है, वो लास्ट में आपको बहुत डरा देता है कि अब अगर किसी ने हाथ खोले और अपनी जेब से पैसे बाहर ना निकाले तो आप बेहोश हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हम लोग डर गए थे हम लोग बहुत, और हमने उसको पैसे दे दिए अपने उस दिन। तो मेरा एक दोस्त था, उसने कहा यार देखो ये इतनी अच्छी चीज है, मतलब ये लोग ऐसे ही पैसे वैसे ले लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने बोला हम भी सीखते हैं। तो हमने वहीं से मतलब मैजिक सीखना स्टार्ट किया था, और जितने मेले वेले होते थे हम लोग उसमें होके आते थे और मैजिक का खूब सामान लेके आते थे। देन उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे मैजिशियंस के साथ मैंने काम किया। मैंने केएस रमेश के साथ काम किया, जो मतलब इंडिया के मतलब टॉप 3 और 4 मैजिशियंस में से एक आते हैं। गोपीनाथ जी के साथ मैंने काम किया और सम्राट शंकर के साथ मैंने काफी काम किया, और इन लोगों के लिए फिर मैंने नए नए इल्यूजन्स भी क्रिएट किए इन लोगों के लिए मैंने अच्छा जी। और नाटक में मतलब नाटक खुद जादू होता है, वैसे नाटक का अपना एक मैजिक होता है, जी, तो उस मैजिक में हमने थोड़ा सा मैजिक और मिला दिया उसे, यही है। नाटकों में भी कभी जादू का प्रयोग किया? जी मेरे मतलब लगभग नाटकों में है, मेरे लगभग नाटकों में है। आपके द्वारा निर्देशित पहला नाटक कौन सा था, कैसे निर्देशन की शुरुआत हुई, क्या क्या उतार चढ़ाव आए? मेरा पहला नाटक था, एक मैंने कॉलेज के साथ मैंने प्ले किया था, जिस लाहौर नहीं देखा जो मैं नहीं, और उसके बाद मैंने पागल कौन करके एक शो किया था। और निर्देशन का क्या हुआ ना कि मतलब जैसे मैं ना हकलाता हूँ, तो मुझे क्या लगता था कि मैं हर चीज में लीड करूं ताकि मेरी हकलाहट पीछे रह जाए। तो मैं लीडरशिप को लेके बहुत काम करना है मतलब एक चाह रहा था। मैं मतलब
हकलाने वाला आदमी कभी डांट नहीं पाता है, तो मैं उस तरीके से ट्राई करता था कि चलो आज मैं डांटूंगा, ये सब करूंगा और इस तरह से मैं एक टीम बनाऊंगा। तो मैं सारी चीजों को मतलब छोड़ता जा रहा था, जो जो मेरे आड़े आ रही थी उनको मैं छोड़ने की कोशिश में। तो मैंने एक टीम बनाई और मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे प्ले डायरेक्ट करना चाहता हूँ। वो प्ले हमने पहले कहीं पे रीड किया था एक बार, जिस लाहौर ने देखा हो, जो मैं, और वो काफी अच्छा लगा था मुझे प्ले। तो उसको लेके मैंने एक टीम इकट्ठी की कॉलेज के अंदर, और कॉलेज में हमने वो प्ले किया, और वो एक कंपटीशन में प्ले था। तो गांव का कॉलेज था जिनका मतलब पिछले 20-22 सालों से कुछ इनाम नहीं आता था, क्योंकि शहर में सब लोग बड़ा बड़ा मंच लगाते थे और सब होता था, उनके पास उतना पैसा नहीं होता था। तो उनके साथ हमने वो वाला प्ले किया, उनका प्ले उस टाइम मतलब एक कुछ इनाम लेके आया था उनका प्ले उसमें। तो उसके बाद उनको भी एक हौसला हुआ और ना हमें भी हौसला हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने एक फुल लेंथ प्ले की तैयारी की, पागल कौन, और वो भी एक न्यूज को लेके ही लिखा गया था, एक न्यूज पे रिएक्ट करके, एक रेप की न्यूज के ऊपर। सर, थिएटर ऑन बाइक, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तृप्ति जी, ये मैंने सोचा था 2011 में जी। इसको मैंने लिखा था कि वैसे ही मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि मैं मुझे पहले क्या लगता था ना कि मतलब थिएटर ऐसे होता रहे, हम घूमते रहे कहीं कहीं और कोई ज्यादा रोक टोक ना हो, तो मुझे लगता था कि ये काम अच्छा है, अपना बाइक लेके घूमते रहेंगे। और लेकिन ये मैंने सोचा था शादी से पहले 2011 में। और फिर करते 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 एक दिन वो मेल मेरे सामने आ गई, मैं इसको भूल चुका था बिल्कुल। फिर वो मेल मेरे सामने आई जो मैंने ऐसी लिख के मतलब मैंने सेव कर रखी थी, एक ईमेल, मैंने उसको खोला तो उस पर लिखा हुआ था थिएटर ऑन बाइक्स। तो मुझे फिर से रिकॉल आया कि मैंने ऐसा कुछ सोचा था और अब किया जाए। सो जिंदल इंडस्ट्रीज जो है, मतलब उनकी एक मतलब फैमिली मेंबर हैं दीपिका जिंदल जी, जो जिंदल इंडस्ट्रीज की ओनर भी हैं, उनको मैंने वैसे ही एक मेल किया कि मैं ऐसा ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, मैं पूरे इंडिया में घूमना चाहता हूँ और थिएटर करना चाहता हूँ, और जैसल अगर हमारे साथ आ जाए तो एक काम बिल्कुल इजी हो जाएगा। सो उन्होंने मेरे कुछ प्लेज पहले देख रखे थे और उन्होंने मुझे एक बार में ओके बोल दिया। तो ओके बोलने के बाद मतलब ये पूरा एक स्पॉन्सर्ड मामला था, लेकिन इसके पीछे थॉट क्या था ना, थॉट ये था कि शहरों में लोग थिएटर देखने आते हैं क्योंकि वहां पे थिएटर्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, गांव के लोगों को भी मालूम ही नहीं कि थिएटर क्या है, वो रिमोट एरियाज के लोग हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि जहां तक थिएटर नहीं जा पाता वहां तक हम चले जाएं और उनको जाके हम लोग दिखाएं। सो हम लोगों ने कोशिश की, हम लोग बहुत इंटीरियर्स में गए हैं, बहुत सारे इंटीरियर्स के अंदर, बहुत रिमोट एरियाज में गए, हम इंडिया के लास्ट विलेज तक गए हैं। अच्छा। जो उत्तराखंड में जो लास्ट विलेज है वहां तक हम गए हैं। और हम क्या करते थे कि इसमें सुबह सुबह हम लोग गांव में जाते थे और गांव के स्कूलों के अंदर हम लोग पपेट शोज करते थे, जिनके टॉपिक थे गुड टच बैड टच और गर्ल एजुकेशन के ऊपर। और मतलब गुड टच बैड टच टॉपिक ऐसा था जो टीचर्स भी अच्छे से नहीं बता पाती हैं, और तो पपेट्स के थ्रू हम लोग बच्चों को एजुकेट कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली थिएटर का एक मकसद है कि आपको लोगों को, एक कम्युनिटी को सर्व करना चाहिए आपको। तो उसी के तहत हम लोग गए और गुड टच बैड टच के ऊपर लगभग हमने 1,00,000 बच्चों के बीच में हम लोग गए हैं, और 18,000 किलोमीटर के आसपास का हम लोगों ने किया सफर। अभी तो कोविड आ गया वरना हम लोग फिर निकलने वाले थे उस पे। तो हमारा मकसद यही था कि जहां पर लोग थिएटर तक नहीं आ पा रहे वहां तक थिएटर उन तक जाए। और फिर हम लोग गांव के लोगों के साथ शाम को एक मतलब मैजिक शो करते थे हम लोग, और फिर हम रात को गांव के लोगों को फिल्म दिखाते थे। हमारे पास प्रोजेक्टर भी था, स्क्रीन भी थी, तो पूरा गांव बैठ के फिल्म देखता था। और फिर वो रात को हमको बोल देते थे कि अब तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम गाँव में रह जाओ। तो फिर हम रात को गाँव में रह जाते थे, अगले दिन फिर निकल जाते थे। तो बहुत कितने लोगों का समूह था, कितने लोगों से शुरुआत हुई? हम इसमें 8 लोग थे। 8 लोगों में से क्या होता था कि 4 लोग ट्रेवल करते थे और 4 लोग बैकअप में रहते थे। मान लीजिए कोई बीमार हो जाए या कुछ और मिस हैपनिंग हो जाए तो हमारे पास 4 लोगों का बैकअप तैयार रहे।
तो हम 8 लोगों ने किया ये। तो इतना सारा सामान लेके ट्रैवल करना बाइक पे आसान होता था? हम सामान ले जाना तो आसान होता है, वो सामान को खोलना और बार बार फिर से लगाना बहुत मुश्किल होता है वो। और दूसरा क्या है, मतलब कि बाइक का एक सेफ्टी इम्पोर्टेंट होता है कि कोई ले ले ना जाए हमारा सामान, क्योंकि हम उसको बार बार खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको बांधने में काफी टाइम लगता है। तो उसको बार बार खोलेंगे बांधेंगे तो आधा दिन तो हमारा इसी में निकल जाएगा। तो एक सेफ्टी को लेकर इशू होता था, और थोड़ा सा हिली एरियाज में, क्योंकि हमारे लिए एडवेंचर था, हम लोग हिली एरियाज में गए हैं लेकिन इतने सामान के साथ नहीं गए थे, तो ये होता था कि किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए और कोई खाई वाई में ना गिर जाए। तो ऐसा हमारे साथ काफी बार हुआ। क्लाइमेट का बहुत चेंज होता था, क्लाइमेट अपने आप में एक मतलब हमें नहीं मालूम होता था कि कब बारिश आ जाएगी, और मौसम साफ होता था और पहाड़ों में एकदम से आ जाती थी, तो वहां पे हम लोगों के काफी सारे प्लान्स इधर उधर हो जाते थे। सो क्लाइमेट वाज अ बिग चैलेंज टू अस। हम तो भाई ऐसे ही है। हाँ, मैं इसी के बारे में बात करना चाह रही थी कि इसके बारे में, इस नाटक के बारे में हमको जानकारी दे। ये मेरे मतलब फेवरेट प्लेज में से एक प्ले है मेरा जी। और ये प्ले जो है ना, मतलब मैं भी जब थिएटर करता था, क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे पैसा बहुत इम्पोर्टेंस रखता था, और मेरी फैमिली में मैं ही था जो पैसा खो रहा था। और फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद मेरे फादर का जितना भी बिजनेस था वो उसमें आग लग गई थोड़े टाइम के बाद, और फिर मेरे फादर और मैं एक इक्वल पोजीशंस पे आ गए हम लोग। तो मैंने मेरे पापा को कहा कि कोई बात नहीं, अभी आप भी जीरो से स्टार्ट करोगे, मैं तो जीरो से स्टार्ट कर ही रहा हूँ, तो मुझे आप रोको मत, मुझे अपना काम करने दो एक बार। लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता नहीं था, मतलब बहुत सारे लोग रोकते थे, बहुत सारे रिलेटिव्स आते थे कि ये कोई काम थोड़ी है। तो वो जो मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा था, मेरे कुछ दोस्त और भी एक्सपीरियंस कर रहे थे, सो हम लोग ऐसे बैठ के बात करते थे। तो मैंने बोला यार बैठ के बात करने का क्या फायदा है, कुछ लिखते हैं हम लोग, शरारतें करते हैं ऐसे ऐसे कुछ कुछ। तो मैंने वो प्ले पहले सोलो के रूप में एक लिखा हुआ था, लेकिन दोस्तों के साथ हम बैठे, मतलब रोज हम लोग खूब शरारतें करते थे इस प्ले को लेके, क्योंकि प्ले ऐसे ही एक डेवलप होता है प्ले। सो हम तो ऐसे ही, जो हर एक आर्टिस्ट की कहानी है, और वो सिर्फ एक थिएटर वाले की नहीं है कहानी, वो हर एक आर्टिस्ट की कहानी, हर उस आदमी की कहानी जिसको सोसाइटी के थ्रू गुजरना पड़ता है। और उसमें फिर मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया, विमल मिड्ढा करके एक मेरे दोस्त हैं, बलजिंदर संधू हैं, पीयूष मिश्रा हैं, इन सब लोगों ने मुझे बोला कि हम लोग कुछ कुछ लिखते हैं इस प्ले के लिए भी, उन्होंने भी कुछ कुछ लिखा। और पीयूष भाई ने हमें अपने सॉन्ग्स के लिए कहा कि तुम लोग इसके सॉन्ग्स, मेरे कोई भी गाना तुम इसमें यूज कर सकते हो। सो मेरे प्लेज में ना बेसिकली मतलब कविताओं का बहुत सारा मामला है, क्योंकि कविताएं जो है ना उनमें एक बिंब होता है उनके अंदर, एक विजुअल होता है उनके अंदर, और हर अभिनेता को मतलब कविताएं रीड करनी चाहिए, बिल्कुल रीड करनी चाहिए, और कविताओं के पैर पकड़ लेने चाहिए कि उनके बिना आप कुछ नहीं हो सकता, आपका स्पीच अच्छा होता है, आपका देखने का माध्यम अच्छा होता है। तो मेरे इस नाटक में भी काफी सारी कविताएं हैं, और जितने भी मेरे प्लेज हैं उसमें बहुत सब रिनाउंड लोगों की पोएम्स हैं, और मैं उनको बड़े नाम के साथ मेंशन करता हूँ कि उनकी लिखी हुई है, और क्योंकि वो प्लेज को और रिच बना देती है। कभी आपने भी कोई कविता लिखी, कोई हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें, दर्शकों के साथ? मैडम मेरी कविताएं थोड़ी लंबी लंबी है, मैं अगर उस पे आऊं, और मुझे भी और मुझे ऐसे याद नहीं होती है, मैं मुझे ना अच्छा तो मुझे ऐसे याद नहीं हो पाती है। सर आप एक लेखक भी हैं, एक निर्देशक भी हैं, एक एक्टर भी हैं, तो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे फोकस करते हैं, इसके बारे में बताएं। मैम ये मैन टू मैन वेरी करता है, हर एक का अलग प्रोसेस होता है। मुझे लगता है कि लिखते वक्त किसी भी बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, अगर अच्छा। आप बातों का ध्यान रख के लिखेंगे तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे, आपके मन में जो आ रहा है आप उसको लिखना शुरू कीजिए। तो मैं तो लिखते हुए किन्हीं बातों का ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं तो जो मेरे मन में आता है मैं उसको लिखता हूँ, और बाद में उसको रीड करता हूँ, उसी में कुछ मुझे काटना होता है तो धीरे धीरे मेरे प्ले के साथ, क्योंकि मेरे जितने प्लेज हैं मैं उनको इम्प्रोवाइज करता हूँ अपने एक्टर्स के साथ। मेरा लिखने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, मैं पहले कहानी
मैं लिखता हूँ 8-10 पेज की, 3-4 पेज की, और फिर वो कहानी मैं अपने एक्ट्रेस के साथ में इम्प्रोवाइज करता हूँ। तो एक्ट्रेस के साथ इम्प्रोवाइज होते होते उसमें कुछ करेक्टर्स और निकल जाते हैं, कुछ चीजें हट जाती हैं, कुछ चीजें मतलब ऐड ऐड हो जाती हैं। और नाटक के लगभग 10-12 शोज होने के बाद हम लोग स्क्रिप्ट टाइप करते हैं एक्चुअल में, कि इसमें से क्या घट गया क्या कट गया, वो हमारे एक्ट्रेस को याद हो जाती है इम्प्रोवाइज करते करते, और हमारे पास कोई लिखित रूप नहीं होता है उसका। हम तो ऐसे ही कि जो जो स्क्रिप्ट है लोग बहुत हैरानी करते हैं, हमने 78 शोज के बाद हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट थी। अच्छा, उससे पहले हमारे पास कोई टाइप स्क्रिप्ट ही नहीं थी। जो मैंने 4 पेज की कहानी लिखी थी, सिर्फ वो एक 4 पेज की कहानी थी, और उसी के बीच में हम लोग सीन्स बनाते थे, इम्प्रोवाइज करते थे, और इम्प्रोवाइज होते 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 वो आगे होता चला गया। तो ये मेरा अपना एक मतलब प्रोसेस है, जो लोग एक्ट्रेस के साथ नहीं काम करते उनका अलग रहेगा प्रोसेस। तो मैं लिखते हुए किसी भी बात का ध्यान नहीं रखता हूँ, और मेरे मन में जो आता है मैं उसको लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। और सर, डायरेक्ट करते समय कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं, या डिजाइनिंग पर कौन सी ऐसी बातों पर खास तौर से ध्यान देते हैं अपने नाटक को डायरेक्ट करते समय? मुझे एक बार रतन थियाम सर हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि, और मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, मैं उनकी बात शेयर करूंगा। उन्होंने बोला था कि, मैंने उनसे एक बार कहा था कि सर आपको कब लगता है कि आपका प्ले अब शो के लायक तैयार है, तो उन्होंने बोला कि जो डायरेक्टर है ना उसका काम रामायण की जो शबरी है ना वो काम है, वो खट्टे खट्टे बेर खुद खाए, और बाद में उसको मालूम होना चाहिए कि मीठे बेर कौन से हैं जो ऑडियंस को देने हैं। क्या बात। तो डायरेक्शन करते हुए ना, मतलब जो मैंने एक जो मेरे मन में एक थॉट है, जो एक बेसिक इंटरप्रिटेशन है, वो तो आना ही चाहिए। मैं एक्ट्रेस के ऊपर कोई ज्यादा मतलब बोझ नहीं बनाता हूँ, मैं एक्ट्रेस को इम्प्रोवाइज करने देता हूँ, क्योंकि मेरा नाटक कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, मेरा नाटक तो एक्ट्रेस कंप्लीट करता है। अगर मैं उनको रोक दूंगा तो फिर वो लोग वहीं पर रुक जाएंगे। सो मेरा नाटक मेरा अकेले का लिखा हुआ नहीं होता, वो मेरे सब अभिनेताओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। तो हम तो ऐसे ही बना, और इस तरह की सारी चीजें हैं। और डायरेक्शन करते हो मतलब एक थॉट प्रोसेस जिस पे आप काम कर रहे हैं, और आप सोसाइटी को क्या देने वाले हैं, और नाटक देखने में बहुत खूबसूरत होना ही चाहिए, और क्योंकि ये एथिक्स जो है उनके ऊपर मैं ध्यान रखता हूँ। और मैं क्योंकि मेरे क्यों मतलब हमारा जो ग्रुप है अभिनय रंगमंच, So, उसके नाटक बहुत ट्रेवल करते हैं, तो हम लोग ये भी मतलब ध्यान रखते हैं कि कम से कम सेट हो, फोल्डेबल सेट हो, और इसको हम ट्रेवल कर पाए। और दूसरा, आज की डेट में मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट करते वक्त ये भी सोचता हूँ कि इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है, इस नाटक को कौन कौन देखेगा, इसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ये नाटक किन लोगों को ज्यादा अप्रोच करेगा, तो वो सब भी मैं देखता हूँ। सर, आपने गुरु नानक जी पर भी एक नाटक लिखा है, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। गुरु नानक जी के ऊपर नाटक लिखना मतलब चैलेंज नहीं था, उसको डिजाइन करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आप नानक का रोल नहीं कर सकते हैं, आप नानक को पात्र के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। सिक्स में जितने भी गुरुज हैं वो करेक्टर नहीं बन सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी को कैसे दिखाएं, ये बहुत बड़ा एक मतलब हमारे सामने था कि इसको कैसे हम लोग ओवरकम करें, और मैं करना चाहता था क्योंकि मैंने उनकी टीचिंग्स बहुत रीड की हुई है नानक साहब की, और गुरुद्वारे में जो गुरुबाणी होती है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब उसका अलग ही एक मजा होता है उसका, बिल्कुल तो, और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मीठा। और गुरुद्वारों में मैं आता जाता भी रहा था, तो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट था, तो हम किस्सा गोई देखते रहते थे, किस्सा गोई जो होती है, दास्तान गोई होती है, दो लोग करते हैं उसको, तो मुझे लगा ये फॉर्म बहुत अच्छी है, इसमें नानक की कहानियां कही जा सकती हैं। फिर हमने किस्सा गोई को ब्रेक किया, हमने 2 की बजाय 5 लोगों को रखा किस्सा गोई में, लोग उठते नहीं, हम लोग उठे, उसमें लाइव म्यूजिक रखा, रिकॉर्डेड म्यूजिक रखा, कुछ कुछ विजुअल्स रखे जो जिनमें नानक नहीं है लेकिन नहीं होते हुए भी लोगों को वो दिखाई दें तो ऐसा कैसे हो। तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया, और लगभग 6 महीने हमारे जो एक्ट्रेस उन्होंने का रिहर्सल किया, इसका 6 मंथ्स तक का रिहर्सल। अच्छा। था हाँ कंटिन्यूस, क्योंकि नानक पे
एक रिसर्च था और सब था वो, तो ये सब एक रिहर्सल का हिस्सा था। हम लोग गुरुद्वारा में होके आते थे, लोगों से पूछते थे, और जिस दिन हमने नानक का फर्स्ट शो ओपन किया, हमने दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी को इनवाइट किया था हिसार में प्ले देखने के लिए, और बीबी रंजीत कौर आई थी उनके यहाँ से प्ले देखने। तो उस दिन हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग शायद डायनामाइट के ऊपर बैठे हैं। हम लोग अगर कुछ इधर उधर हो गया तो पीछे से कृपाण और तलवार पता नहीं क्या क्या निकलेगा, क्योंकि कुछ रिलीजन्स हैं जो अपने रिलीजन को लेके बहुत सख्त हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं, तो और एक हिंदू धर्म ऐसा है जो आपको अपने देवी देवताओं को अलाउ करता है कि इनका आप रोल कीजिए, इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, दोस्ताना मामला है, हम हनुमान कैसा भी बना सकते हैं। सो वो जब प्ले हुआ, तो जब वो खत्म हो गया ना प्ले, तब मुझे सांस आया था उस दिन कि ये प्ले खत्म हो गया, और पीछे से कोई आवाज नहीं आई जो बोले सो निहाल, और ऐसी कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे और उसके बाद जब मैंने देखा पीछे, तो क्या हुआ कि मैम जितने भी सिख आए हुए थे वो सारे के सारे लोग, मतलब हमको, मतलब कुछ कह नहीं रहे थे, देवर साइलेंट, और हमको उन्होंने बहुत मतलब ब्लेस किया उसके बाद, कि हमको नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सो उसके बाद उन्होंने हमारे शोज काफी सारे अरेंज किए उन लोगों ने, और बीबी रंजीत कौर ने। अभी हमारे शोज ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी कोविड की वजह से नहीं हुए। सो जब ठीक हो जाएगा, जब देखेंगे। अभी बिल्कुल उनके बिल्कुल और नानक साहब के अलावा भी मैंने काफी सारी बायोग्राफीज के ऊपर काम किया है। उसमें जी मैं जब गुड़गांव में था, तो मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स करके एक कंपनी है, उनके साथ मैं काम करता था, और वहां पे काम करते करते मेरा काम, मतलब क्रिएटिव काम मेरा कम होने लगा था, क्योंकि हम रोज एक ही शो के साथ काम कर रहे थे। और हम एक दिन दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में थे, तो वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि अगर आपको नेशनल होना है तो आपको रीजनल होना पड़ेगा आपको। और मैं उस दिन से मैंने किया कि डिसाइड, अब मैं हिसार जाऊंगा, मैं वापस गुड़गांव से, और मैं हिसार वापस आया। हिसार आके मुझे लगा कि अब उसने तो बोल दिया था वहां पे कि भैया तुमको नेशनल होना है तो रीजनल होना पड़ेगा, उसके उनके बोलने से आ भी गए यहाँ पे, अब रीजनल हो कैसे। सो लक्ष्मी चंद एक बहुत फेमस पोइट हुए हैं हमारे यहाँ के, पंडित लक्ष्मी चंद, उनको हरियाणा का शेक्सपियर भी बोलते हैं, उन्होंने काफी सारे स्वांग लिखे हैं, और उनकी लाइफ के ऊपर मैंने एक प्ले लिखा, लक्ष्मी प्रेम। तो लक्ष्मी प्रेम लिखते लिखते किसी ने बोला कि इनके एक स्टूडेंट होते थे मांगे राम जी, वो ऐसे थे। तो फिर मैंने मांगे राम जी को रीड किया, फिर मांगे राम जी के ऊपर एक प्ले लिखा मांगे प्रेम। फिर ऐसे ही बाजे बाजे भगत होते थे, उनके ऊपर मैंने एक प्ले किया बाजे प्रेम। तो ये तीन प्रेम की है सीरीज, मांगे प्रेम, लक्ष्मी प्रेम और बाजे प्रेम। ये हमारे हरियाणा के जो लीजेंडरी पोइट्स हैं, जो ये उनकी लाइफ के ऊपर एक काम था ये वाला। तो बहुत बढ़िया। बायोग्राफीज करते करते फिर वाजपेयी जी की पोएम्स को रीड किया, तो और अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भी मैंने एक प्ले किया, अच्छा उनकी कविताओं के ऊपर एक मैंने एक प्ले किया, आओ मन की गांठे खोले। वो मेरी वाइफ जो है डॉक्टर राखी दुबे, वो कथक करती हैं, तो वो उन्होंने कोरियोग्राफ किया पूरा प्ले। और उसके अलावा मैं आजकल बंदा सिंह बहादुर और महाराजा अग्रसेन के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ इन दिनों में भी। सर, आपका इस बारे में क्या कहना है कि जब हम इस विधा से जुड़ते हैं या रंगमंच में कार्य करते हैं तो किसी इंस्टीट्यूट से शिक्षा लेना कितना जरूरी है? क्या भूमिका रहती है किसी इंस्टीट्यूट की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि क्या भूमिका रहती है, क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि दो टाइप के लोग होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं और अनस्किल्ड लोग होते हैं, मतलब ट्रेंड और अनट्रेंड लोग होते हैं। तो जब आप एक थिएटर ग्रुप के साथ जब आप काम करते हैं, तो आपके पास हर चीज का एक्सपर्ट नहीं आता है, एक डायरेक्टर ही सारी चीजों को डिक्टेट करता है वहां पे। तो
क्योंकि थिएटर ग्रुप के पास इतनी सारी रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो कोरियोग्राफी के लिए किसी और को लेके आएगा, सेट के लिए किसी और को लेके आएगा। अब होने लगा है, पहले नहीं होता था। सो जब आप एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो आपके पास हर चीज का एक्सपर्ट आता है, और इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते करते आप देखते हैं कि लाइट्स करने में भी इतना स्कोप है, साउंड डिजाइन करने में भी इतना स्कोप है, अच्छा मैं कॉस्ट्यूम में भी जा सकता हूँ, और मैं डायरेक्शन भी कर सकता हूँ, डिजाइन भी कर सकता हूँ, मैं एडिट अच्छा करता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो वो ट्रेनिंग के दौरान आपको अपने बारे में चीजें मालूम होती हैं कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, और उनमें से आप अपने लिए काम चूज करते हैं। ये अगर आप ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे तो आपको एक अपने आप को जानने का मौका नहीं आ पाता है। पहली बात तो ट्रेनिंग की ये है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है आपको इंस्टीट्यूशन से। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं अभी, मतलब मुझे बहुत खराब लगता है कि लोग एनएसडी की बुराई करते हैं कि एनएसडी अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है, या ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। एक संस्थान हमेशा अच्छा होता, उस हो सकता उस, और मतलब संस्थान जो है ना, संस्थान हमेशा अच्छा होता है, और उसमें जो आदमी होता है वो उसे खराब कर सकता है। संस्थान कभी भी खराब नहीं होता है। तो संस्थान सिखाता है आपको, और एनएसडी हो, बीएनए हो, इंडियन थिएटर हो, HCRFTR हो, जितने भी स्कूल्स हैं, उनका ट्रेनिंग को लेके बहुत इम्पोर्टेंस रहा है। और वो इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलता है कि जिनके साथ भी आप काम करते हैं, जिनके साथ भी आपने अभी तक काम किया है, या जिनके साथ आप काम करते थे उन्होंने किसके साथ काम किया है, उन सब लोगों ने एक एक ट्रेंड आदमी के साथ काम किया होता है। वो चाहे एनएसडी से ट्रेंड हो, चाहे बीएनए से ट्रेंड हो, चाहे इंडियन थिएटर से ट्रेंड हो, तो ट्रेनिंग का ये बहुत एक एक, एक, एक इम्पोर्टेंस है। अगर आप ट्रेंड नहीं हो किसी चीज में, आप स्किल्ड नहीं हो, तो आप उसको उतनी खूबसूरती के साथ नहीं कर पाओगे जितनी खूबसूरती के साथ और लोग कर जाते हैं, और जितनी आसानी के साथ लोग उन चीजों को कर जाते हैं। और ट्रेनिंग के टाइम में इतने सारे लोग हमारे पास पढ़ाने के लिए आते हैं, और उन सबके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ काउंट होते हैं। हमारे साथ जो 20 लोग रहते हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, हर आदमी अलग स्टेट से होता है, हर आदमी का बैकग्राउंड बहुत अलग होता है। तो हमें एक साल ऐसे 20-22 लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है, जो हमें 24 घंटे किसी के भी साथ रहने का मौका नहीं मिलता हमें। बहुत से ये तो जो एक इंस्टीट्यूशन है वो आपको बहुत एनरिच करता है, बहुत आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। सर, रंगमंच को बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले, इसके लिए आप किन बातों पर ध्यान देना चाहेंगे? इसमें पहली बात तो रंगकर्मियों को खुद आगे आना चाहिए और ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रह के नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें नहीं कहा था कि आप रंगमंच करना, और जो गवर्नमेंट से आ रहा है वो ठीक है, वो आ रहा है, वो भी एक हक है लोगों का, उन्हें मिल रहा है। जिनको नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, मैं तो कहता हूँ इस चीज को बिल्कुल हटा देना चाहिए, और खुद के रिसोर्सेज आपको पैदा करने होंगे कि मैं रंगमंच कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि आप रंगमंच में किसी से पूछ के नहीं आए थे, आप खुद से पूछ के आए थे, तो आपको खुद के रिसोर्सेज पैदा करने पड़ेंगे। कोई भी एक जॉब होती है, कोई IAS ऑफिसर है, या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपने काम को कम से कम 8 घंटे का वक्त देता है। एक बाल काटने वाला नाई भी अगर सुबह 9 बजे शॉप खोलता है तो शाम को 5-6 बजे तक अपनी शॉप पे बैठता है, वो 8 घंटे बैठता है। हम रंगकर्मियों को खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम 8 घंटे अपने टाइम अपने काम को दे रहे हैं क्या? अगर हम अपने काम को 8 घंटे देंगे तो ये काम हमको बहुत कुछ देगा। अभी ये बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूं कि लोग सिर्फ 2 साल तक दो साल काम करते हैं, वो शाम को 2 घंटे की रिहर्सल में आते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमने पूरी लाइफ रंगमंच को दे दी। तो आपने नहीं दी, आपने 2 साल में से दो घंटे आपने बस रोज दिए हैं, आपने नहीं दिया। आपने आपको 8 घंटे अपने काम को डिवोट करने पड़ेंगे, और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। सर, आपको कभी बड़े पर्दे ने नहीं लुभाया, उसके आकर्षण ने कभी आपको नहीं खींचा? मैं मुझे टाइम नहीं मिलता, और मेरे पास अभी उन लोगों के लिए डेट्स नहीं है मैम।
अब आपकी क्या नई तैयारियां, क्या नई योजनाएं हैं, किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? नया अभी आपके सामने ख्वाब स्टूडियो जो है, इसी को हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमने 4 एकड़ में एक स्पेस ये बनाया है, और इसमें जैसे हर थिएटर ग्रुप सोचता है कि मेरा अपना एक ऑडिटोरियम हो जाए, ऐसा मैं भी पहले सोचता था कि मेरा अपना एक ऑडिटोरियम हो, लेकिन फिर मुझे लगता था कि ऑडिटोरियम के एक्सपेंसेस कहाँ से आ पाएंगे। फिर हम लोगों ने, मेरे एक दोस्त हैं बचपन के, सोनू और उन दोनों ने, मैंने एक प्लान किया कि हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि एक ऑडिटोरियम ना बना के और ऐसा स्पेस बना दे जहां पे हर कहीं पे शो हो सकता है, जो जिस जगह पे शो करना चाहे वो वहां पे आके शो कर सकता है। और तो फिर हम लोगों ने 4 एकड़ एक लीज पे लेकर, और वहां पे हमने कच्चा मकान, जैसे आप देख पा रहे हैं, जी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, हमने मतलब थाना, कोर्ट, स्कूल, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे की हुई एस्टेब्लिश। तो कोई भी यहाँ पे आगे शूट कर सकता है। और इसको बनाने का एक रीजन और भी था कि मतलब थिएटर और मीडिया में बहुत कन्फ्लिक्ट चलता है, कि मैंने बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स में देखा है कि आप स्टूडेंट्स को कह रहे हो कि यार तुम अगर थिएटर करना चाहते हो तो ही यहाँ पर आओ, मीडिया करना है तो मत आओ। वो जो थिएटर ग्रुप्स ऐसा बोलते हैं उनको पहले थिएटर के लोगों के लिए एक रिसोर्सेज पैदा करने होंगे, या आपके पास जो आया है आप उसके लिए इतने रिसोर्सेज दे पा रहे हो कि वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो वो हम थिएटर में रिसोर्स नहीं मिल पाता, इसीलिए आदमी उसको छोड़कर मीडिया की ओर भागता है। कि हमने ख्वाब इसीलिए बनाया कि जिन लोगों को मीडिया भी आगे करना है वो भी यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैमरामैन आते हैं, DOPs आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, उनके साथ उनको काम करने का मौका मिलता रहे फील्ड में। और इसके अलावा अभी महाराजा अग्रसेन के ऊपर एक प्ले कर रहे हैं हम लोग, जो अभी ओपन होने वाला है, और अभी 16 से 20 तक हमारे हम लोग हर साल एक रामायण का मंचन करते हैं, जो उर्दू में लिखी हुई रामायण है। हाँ, अच्छा तो उसका भी 16 से 20 तारीख तक शोज हैं हिसार में। सर, आप एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं हिसार में, अगर उसके बारे में हमें कुछ जानकारी देना चाहें। जी हाँ, हम लोग हिसार में एक फेस्टिवल करते हैं, इसका नाम है रंग आंगन, और वो हमने आज से लगभग 6 साल पहले स्टार्ट किया था। और उसमें जो हमने जो थर्ड फेस्टिवल जो उसका जो किया, तो जो थर्ड फेस्टिवल था वो नॉर्थ इंडिया में किसी भी ग्रुप के द्वारा किया गया सबसे बड़ा फेस्टिवल था। हमने 21 दिन का फेस्टिवल किया था, वो 21 डेज का, क्या बात, और 21 डेज में लगभग 168 एक्टिविटीज की हम लोगों ने। जी और अभी रंग आंगन जो है वो पूरे हिसार का हो गया है, क्योंकि हमने उसको इस तरह से डिजाइन किया है कि अब मैं रहूं ना रहूं, मतलब मैं अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं भी होता हूं तब भी वो फेस्टिवल हो जाता है। तो शहर के लोग मिलके उसको अब करते हैं उसको, तो हम जी लोग उसको इस मोड पे ले आए कि अगर हमें गवर्नमेंट पैसा नहीं भी देगी तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमारा फेस्टिवल हमारा शहर अपने आप करवा देगा। थैंक यू सर, आपने इतने सुंदर तरीके से अपने विचार रखे, इतने सारे नए नए रंगमंच में प्रयोग जो आप कर रहे हैं उसकी जानकारी दी हमको, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर।